फलौदी के चयन नारायण मोहन लाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय समक्ष एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रही किसान आंदोलन के समर्थन में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई व जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक नारेबाजी करते हुए गहरा विरोध प्रकट कर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान एसएफआई के पूर्व राज्य कमेटी सदस्य त्रिलोक चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार किसानों की खेती को बर्बाद करना चाहती है, वो किसान विरोधी बिल को जबरन किसानों पर थोप रही है। इतना ही नहीं, गरीबी हटाने की जगह पर गरीबों को हटाकर धनाढ्य सेठ उद्योगपतियों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। एसएफआई के जिला संयुक्त सचिव हीरालाल गोगलू ने बताया है कि मोदी राज ने किसानों की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के भाव की बेहताशा वृद्धि के बाद अब बेतु के कानून लगाकर आम मजदूरों किसान की खेती की आजीविका पर रोजी रोटी को बिछीनने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई के तहसील अध्यक्ष गोपाल मेघवाल, कॉलेज कमेटी अध्यक्ष सुनील, श्रमिक नेता जय गोपाल मेघवाल, शोएब खान, दामोदर लीलड़, हुमकेश पवार, लोहावट किसान सभा संयोजक जगदीश सेचू, भोमराम रहमतुल्ला सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। और तमाम जन संगठन डीवाईएफआई, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन और मजदूर शक्ति संगठन और डीएसएमएम, इन तमाम संगठनों के सहयोग से और एसएफआई ने राजकीय महाविद्यालय फलौदी के मुख्य गेट के आगे प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं और नहीं तो एसएफआई बहुत उग्र और बहुत ही सरकार के ऊपर एक दबाव के रूप में आंदोलन करेगी। हमें उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकार भी इसमें दबाव डाले और